ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के खिलाफ जिला अधिकारी को दिया शिकायत पत्र। आज जिलाधिकारी कार्यालय अमरोहा में प्रधान व रोजगार सेवक के खिलाफ शिकायत पत्र लेकर आए कर्मवीर पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी बाला नांगल तहसील हसनपुर थाना सैद नगली पूछताछ करने पर बताया कि हमारे गांव की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह सही नहीं है। पुराने खड़ंजा उखाड़ कर पुरानी ईंटों को गांव के लोगों को बेच दिया है और रोजगार सेवक दीपक कुमार भी इस साजिश में शामिल हैं। गांव के सीसी रास्तों का पैसा निकाल लिया लेकिन सीसी रास्ता बनाया ही नहीं और जाल स्लैब खरंजा आदि का पैसा निकाल लिया लेकिन कार्य नहीं किया। बताया कि हमने पहले भी कई बार शिकायत पत्र दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए आज हम डीएम साहब के पास आए हैं और हम ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक की जाँच करवाना चाहते हैं। नितिन कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? बालानगर। थाना कौन सा लगता है? सैद नगली। बताइए आज जो डीएम साहब के पास आए किस संबंध में? प्रधान जी के खिलाफ एप्लीकेशन देने आए थे। किसके संबंध में क्या शिकायत थी? उन्होंने 15-20 लाख रुपए का घोटाला कराया, काम कराया नहीं है 1.5 साल से और पैसा निकाल लेते। क्या नाम प्रधान जी का? काय में घोटाला क्या? सावित्री देवी। घोटाला काय में क्या है? आरसीसी रोड पर इंटरलॉकिंग दिखा के निकाल लिया, खड़ंजा कराया नहीं है उसका पैसा निकाल लिया, गड्ढे बनवाए नहीं है उसके पैसे निकाल लिए, जाल स्लैब के पैसे निकाल लिए। तो आप मतलब कितने लोग शामिल है इस शिकायत में? आज हम 5 लोग। 5 लोग आए हैं। क्या चाहते हैं इसमें आप? जाँच चाहते हैं। डीएम साहब ने बोला है जाँच होगी। इससे पहले आपने कहा? इससे पहले कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, 5-6 एप्लीकेशन दे चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। प्रधान द्वारा किस तरह का दवा बनाया जाता? दवा गालियाँ देता हो तो दारू पीता, गालियाँ देता। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान के प्रधान जो है सावित्री देवी हैं, उनके पति हैं कृष्ण बाला। मेरा नाम करमवीर सिंह है। करमवीर कहाँ रहते हो आप? बाला नागल। तहसील थाना कौन सा? तहसील हसनपुर थाना सैद नगली। बताइएगा कैसा आना हुआ यहाँ कलेक्टर? मैं कई बार आ चुका हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान के खिलाफ रोजगार सेवक ये ले रखा है मैंने। क्या है और जो काम कार्य कर रहे हैं उन्होंने, मैं उनकी जांच चाहता हूँ। मुझे उनमें ये लगता है कि इन्होंने पैसा ज़्यादा निकला, उसमें काम इतना हुआ नहीं। कई बार मैं इनसे मतलब कोई काम ऐसे बताओ जिससे मतलब प्रधान ने नहीं कराया और पैसा ज़्यादा ले लिया हो काम उसने कराया, कोई एक आध काम बताओ। रोड है उस पर इंटरलॉकिंग का पैसा निकाल लिया, वीडियो साहब भी उसमें जाँच करने आए थे अभी, और एक नाले का पैसा नाला आज तक नहीं बनाओ। ऐसे कई कार्य हैं, किसी नल की चौतरी बढ़िया नहीं है, नलों के गड्ढे बनाए गए, उनके 1,00,000 रुपए निकाले उन्होंने, कोई गड्ढा नहीं है। तो फिर अब क्या चाहते हो तुम? इसकी जांच चाहता हूँ। और क्या डीएम साहब से मिले मुलाकात? हाँ, मिले उन्होंने आस पास। एक मिनट खड़ा हो।